अस्सलाम वालेकुम। ये मदीन साले का इलाक़ा है सऊदी अरब में। साले अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पे रिहाइश पज़ीर थी। पहाड़ों को तराश के वो इस तरह से अपने घर बनाया करते थे, और इन घरों के अंदर जो बनाए गए कमरे हैं उसमें वो लोग रिहाइश पज़ीर थे। यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं, इसके अलावा थोड़े थोड़े फासले पर अलग अलग जगहों पर इन्होंने इसी तरह के कमरे बनाए हुए हैं, जिसमें बाकायदा अंदर कमरों के अंदर और कमरे हैं सामान रखने के लिए, ताक बनाए गए हैं रोशनी चुराग रखने के लिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पे रिहाइश पज़ीर थी, जो शिर्क और ज़ुल्म सितम पर उतर आए थे, आने जाने वाले काफलों को लूट लिया करते थे और कमज़ोरों पर ज़ुल्म किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको एक अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की, लेकिन सरकश कौम बिल्कुल नहीं मानी। जब कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गई तो उनको झटकने के लिए शर्त रखी कि अगर एक पत्थर के पीछे से एक हमला ऊँटनी आ जाए निकल आए और वो बच्चा जने तो हम आपके अल्लाह पे यकीन आपके अल्लाह पे ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर के अंदर से ऊँटनी निकल आई, लेकिन सरकश कौम फिर भी नहीं मानी। अल्लाह ताला से सरकशी करती रही, लोग इतने सरकश थे कि उन्होंने अल्लाह ताला के मौजे से निकली गई ऊँटनी के पांव काट दिए और उस ऊँटनी को मार दिया। उस कौम को 3 दिन का तौबा का टाइम मिला कि अगर वो तौबा कर ले तो उनको बख्श दिया जाएगा, लेकिन कौम फिर भी नहीं मानी। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने एक शदीद जलजले की सूरत में इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ जलजला आया बल्कि आसमान से बिजली भी इन लोगों पर गिरी। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए थे, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते थे, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ही, और बाकी कौम को गर्क कर दिया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ मदीना मुनव्वरा से जब तबूक की जानिब जा रहे थे तो इस इलाके से उनका गुजर हुआ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी बताया। और अल्लाह ताला के अज़ाब के बारे में भी खबरदार किया। ये पत्थरों के अंदर उनके बनाए पहाड़ों की चट्टानों के अंदर बनाए गए उनके कमरे हैं, उनके सामान रखने की जगह, गल्ला रखने की जगह है।